गुड मॉर्निंग क्लास एट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर टू यूरोपियन पावर्स इन इंडिया फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन साउथ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज वर्ड मीनिंग एंड टोटल वर्ड मीनिंग इज 29। मर्केंटलिज्म, मेजर ग्लोबल ट्रेड, ट्रेड वार्स, द पोर्टुगीज इन इंडिया, the Dutch and their trade in India and the French trade in India, the British trade in India and the English East India Company. And let's start the topic Anglo-French Rivalry in South India. Listen carefully, क्योंकि बहुत सारे इसमें कहानी टाइप का है तो मैंने बहुत सारे सेंटेंस को बुक से ही समझाने की कोशिश की है। चलो Anglo-French Rivalry समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि इंडिया के अंदर डच, पोर्टुगेज, फ्रेंच और इंग्लिश आए थे ट्रेडर्स के रूप में, और वो यहाँ से ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ये भी सही बात है। लेकिन इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ही रहा, ये भी सही बात है। तो फिर ये बाकी लोग गए कहाँ? तो ब्रिटिश ने यानी इंग्लिश ने पोर्टुगीज और डच को यहाँ से युद्ध करके या उनको हरा करके यहाँ से भगाया। बस लास्ट तक यहाँ फ्रेंच टिका हुआ रह गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंडिया में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कर्नाटक वाले क्षेत्र में युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसे कर्नाटिक वार के नाम से जाना गया। एंड क्या कारण रहा कि ये कर्नाटिक वार हुआ, तो हम कारण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस ध्यान से सुने। पहला कारण था कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों इंडिया में ट्रेडर के रूप में थे और दोनों यहाँ से धन कमाना चाहते थे। दूसरा कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि इंडियन मार्केट पे उनका कंट्रोल हो। तीसरा, वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर के बेचना चाहते थे यूरोप में सस्ते दामों पे, जिसके वजह से दोनों के बीच में यूरोप में भी कंपटीशन स्टार्ट हो गई। तीसरा, इंडिया जो था वो पॉलिटिकली वीक था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज को जीतना आसान था। इसके कारण भी दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। और फ्रांस का जो हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी था, ब्रिटिश का सेंटर मद्रास और कलकत्ता था। तो इंग्लिश क्या किया, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए साउथ में बिजनेस को सेट करने के लिए दोनों एक दूसरे से भिड़े। तो ये सारा पॉइंट्स आपके बुक में दिया हुआ है, बुक भी देख लिया करिए। तो यहाँ पे तीन वार हुआ दोनों के बीच में। फर्स्ट कर्नाटिक वार, टू थर्ड कर्नाटिक वार स्टार्ट हुआ 1744 में और ख़त्म हुआ बैटल ऑफ बांडीवास 1763 तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला कर्नाटिक वार 44-48, दूसरा 48-54 और तीसरा 56-63। बट ये तीनों वार का एक कॉमन कारण रहा कर्नाटक के नवाब नया कौन बनेगा इस बात को लेकर के, क्योंकि जब ये लोग जो थे यानी फ्रेंच और जो इंग्लिश थे, ये अपने अपने सपोर्टर को कर्नाटक का क्या करना चाहते थे, बनाना चाहते थे नवाब। और यही वजह रहा कि ये दोनों आपस में उलझे हुए रहे। फाइनली ये थर्ड बैटल बार जब हुआ तो इस युद्ध में फ्रेंच की हार हुई। उसी समय क्या हुआ था, 7 ईयर वार चल रहा था यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, वहाँ फ्रांस की हार होती है। तो 1760 में जब इंडिया के अंदर बैटल ऑफ बांडीवास होता है तो इसमें क्या होता है, फ्रांस पूरी तरह से हारता है और फ्रांस और इंडिया इंग्लिश के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस वापस जाता है, सॉरी फ्रांस को व्यापार करने का अधिकार था लेकिन उसे आर्मी रखने के अधिकार, फैक्ट्री को स्थापित करने के अधिकार या पर फोर्ट बनाने का अधिकार नहीं था। इस तरह से इसे इनडायरेक्ट वे में इंडिया से ब्रिटिश ने हटा दिया। तो इस युद्ध में ब्रिटिश के सक्सेसफुल होने का क्या कारण था, तो कारण भी आप वन बाय वन देखिए बुक में दिया हुआ, आप कारण भी बढ़िया से ध्यान से सुनिए। पहला कारण था कि ब्रिटिश बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास वाले क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया था, जबकि फ्रांस छोटे छोटे जगहों पे माहिर, चंद्रनगर और पौंडीचेरी में थे। द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग था ब्रिटिश, क्योंकि मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता उसके पास था। दूसरा, इंग्लिश कंपनी जो था इसका फाइनेंशियल पोजिशन बहुत अच्छा था और ये क्या करते थे, बिजनेस के साथ साथ बिजनेस के लिए बार युद्ध जो होता था उसे हमेशा नज़रअंदाज करते थे फ़ायदा कमाने के कारण।
तीसरा कारण था कि ब्रिटिश का सी रूट पे यानी समुद्री क्षेत्र पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल था, बहुत ही सी पावर ये सुपीरियर थे। आगे क्या था कि ये जो इंग्लिश कंपनी थी इनको गवर्नमेंट से यानी इंग्लैंड के गवर्नमेंट से इनको फुल सपोर्ट था, जबकि फ्रांस को ये चीज़ें नहीं थी। ये सब कारण की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश जीता और फ्रांस हार गया। एंड इसके बाद जब साउथ में पूरी तरह से कैप्चर हो गया फ्रांस का, तो वो चला नॉर्थ इंडिया की ओर, और इसमें सबसे पहला शिकार राज्य हुआ बंगाल, जिससे बैटल ऑफ प्लासी काफ़ी फेमस हुआ। तो चलो बंगाल का कहानी देखते हैं। तो बंगाल का कहानी हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि सेवन्थ में हमने बताया था कि बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट बना मुग़ल एम्पायर के कमज़ोर होने के बाद, और मुग़ल एम्पायर जब कमज़ोर हुआ तो यहाँ पे अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां जैसे लोग शासन करना शुरू किए। फाइनली अलीवर्दी खां 1756 में मरता है और सिराज उद्दौला नया नवाब बंगाल का बनता है। एंड जब वो बंगाल का नवाब बनता है, तो जब तक वो बंगाल का नवाब था तब तक ब्रिटिश यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन कुछ कारण ऐसे तैयार हुए कि बंगाल और ब्रिटिश लड़ गया। तो सबसे पहला कारण था 1717 का फारूक सियार के द्वारा दी गई फरमान, पीछे हम टॉपिक में क्लियर किए थे। फारूक सियार एक एम्परर था मुगल का, जिसने ब्रिटिश को बंगाल क्षेत्र में, बंगाल उड़ीसा और बिहार में टैक्स फ्री बिजनेस करने का ऑफर दिया, वो भी 3,000 पर एनम के किराए पे। तो इस सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश का एक क्षेत्र था कासिम बाजार, वहाँ पे अटैक कर दिया और ब्रिटिश का जो फैक्ट्री था उसे अपने कैप्चर में ले लिया। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो अपनी जान बचा के भागे। जो पकड़े गए उनको क्या किया गया कि एक स्मॉल डंजन में कैप्चर करके रख दिया गया है। मतलब स्मॉल डंजन मतलब होता है ज़मीन के अंदर का बंकर टाइप का, और उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में था, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ आर्मी भेजी गई बंगाल कि बंगाल में जाकर के फिर से बिजनेस स्थापित की जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले आया बंगाल और सिराजुद्दौला से सिर्फ संधि किया, लेकिन बाद में क्या किया कि सिराज उद्दौला के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी उसके सपोर्टर थे, जिसको अपने पक्ष में ब्रिटिश ने मिला लिया। जैसे कौन कौन था, बैंकर था जगत सेठ, इसका खुद का सेनापति था मीर जाफर, ये लोग अपना फ़ायदा चाहते थे तो ब्रिटिश की ओर मिल गए। और फाइनली बैटल प्लासी में एक युद्ध हुआ अंग्रेज और इसके बीच में, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना गया, और इस युद्ध में सिराज उद्दौला की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर अगला नया राजा बनता है, जो कि ब्रिटिश का पूरी तरह से पपेट था, पुतला था एकदम। और इंग्लिश को इस तरह से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में पूरी तरह से बिजनेस करने का अधिकार मिल जाता है। तो अब आगे का देखते हैं जरा टॉपिक इसी में। जब मीर जफर राजा बनता है तो वो क्या करता है कि उसे वो मतलब ब्रिटिश को सपोर्ट करता है, लेकिन इसी के जब वो सफल नहीं हो पाता है पूरा करने में ब्रिटिश के डिमांड को, तो नया नवाब बनाया जाता है बंगाल का मीर कासिम को 1761 से 1764 तक के लिए। और जब मीर कासिम ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो मीर कासिम को भी गद्दी पर से हटा दी जाती है एंड फिर से मीर जाफर को ही राजा बना दिया जाता है। तो मीर कासिम और अवध के नवाब सुजा उद्दौला एंड उस समय एम्परर था मुगल एम्पायर का शाह आलम सेकेंड, तीनों ने मिलकर ब्रिटिश को हराने का प्लान बनाया, जिसके वजह से 1764 में बक्सर में युद्ध हुआ। किसके बीच में, एक तरफ ब्रिटिश और दूसरे तरफ थे सुजा उद्दौला का सेना, मीर कासिम और शाह आलम सेकेंड। इसमें भी बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिश की जीत होती, और इस तरह से बंगाल के साथ साथ बक्सर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अब इस युद्ध के वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश का शासन शुरू होता है। अब इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है सुजा उद्दौला, अवध के नवाब और ब्रिटिश के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कहा जाता है। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो नवाब का जो पोस्ट था अलाहाबाद में, वो सरेंडर्ड कर दी गई, और अलाहाबाद और कारा
वाला क्षेत्र दे दिया गया कंपनी को, साथ ही साथ युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया भी देना पड़ा। और ये ट्रीटी साइन, उसके बाद दूसरा ट्रीटी साइन हुआ अलाहाबाद का ही शाह आलम सेकेंड के द्वारा 12 अगस्त 1765 को। इसके तहत मुगल का जो एम्पायर का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दी गई और मुगल को पूरी तरह से अपने प्रोटेक्शन में ले लिया ब्रिटिशों ने। और मुगल को साल में 26 लाख रुपए देते थे, 26 लाख, अपना क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए नवाबों को। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल और अवध के युद्ध के बाद पूरी तरह से कैप्चर में आ गया ये दो क्षेत्र ब्रिटिश का। अब इसके बाद टॉपिक आता है ड्यूअल सिस्टम। ये टॉपिक चलेगा थोड़ा, हड़बड़ाना नहीं, 15 मिनट जाएगा। अब ड्यूअल सिस्टम भी समझते हैं। ड्यूअल सिस्टम क्या था जरा वो देखो। जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश की आर्मी को, और लोगों की देखभाल करने का अधिकार मिला वहाँ के नवाबों को। इस तरह के सिस्टम से शासन शुरू हुआ। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कि लोगों पे शासन कर रहा है नवाब, लेकिन जो टैक्स वसूल कर रहा है वो है ब्रिटिश। तो इस तरह के सिस्टम को कहा गया ड्यूअल सिस्टम, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता था कि सिस्टम में टैक्स वसूल करने के लिए कलेक्टर जाता था, तो कलेक्टर्स को उस समय अमेल्स कहा जाता था। अब ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे बहुत ही क्रूअली कलेक्ट करते थे, गरीब से गरीब पीजेंट्स को भी क्या करते थे, बेरहमी से टैक्स वसूला करते थे, जिसके वजह से किसानों की स्थिति बदतर हो गई। एंड 1770 में बंगाल में एक फेमाइन आई, सूखा पड़ा, जिसके वजह से बहुत सारी जाने गई और ज़मींदारी पर जो थे ज़मींदार वो बहुत सारों का ज़मींदारों का इनकम ख़त्म हो गया। इस चीज़ को देखते हुए 1772 में लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स ने इस ड्यूअल सिस्टम की प्रथा को समाप्त कर दिया। एंड लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया रॉबर्ट क्लाइव का। इसका नाम आप सुने होंगे, इसका नाम लिया गया था बैटल ऑफ प्लासी में। ये रॉबर्ट क्लाइव जो था इंडिया के अंदर आया था इंग्लैंड से सिर्फ एक छोटे से सर्वेंट के रूप में, इंग्लिश सर्वेंट के रूप में, बट ये 2 बार बंगाल का गवर्नर रह चुका था 1765 से 1767 के बीच में। और इसने क्या किया कि बहुत ही अच्छा युद्ध भी लीड किया था, पहला सेकेंड कर्नाटक बार को लीड किया था जिसमें इसकी विजय हुई, और दूसरा बैटल ऑफ प्लासी को लीड किया था जिसमें भी इसकी जीत हुई। इसी कारण से ये बहुत ही फेमस हुआ और ये ब्रिटिश रूल का फाउंडर कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि इसी के वजह से ब्रिटिश रूल अपना पांव इंडिया में स्टेबल कर पाया। अब ब्रिटिश के सामने चुनौती थी मराठाओं का, क्योंकि मराठा उस समय अभी तक स्ट्रांग थे। मराठा के साथ साथ पंजाब वाला क्षेत्र भी स्ट्रांग था, तो ये इन दोनों, इसके अलावा मैसूर एक और राज्य था, तो ये 2-3 राज्य स्ट्रांग थे। अब इन राज्यों को एक एक करके ब्रिटिश अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाएगा, जो अभी देखने वाले हैं। पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव्स इसका और ये रहा क्वेश्चन आंसर।